खबर मेरठ से है, जहां पर भाजपा महानगर अध्यक्ष का ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल का ड्राइवर विभांशु कोरोना पॉजिटिव है। कई विधायकों और सांसदों के भी संपर्क में आया था कोरोना पॉजिटिव। विभांशु कई दिनों से एमएलए एमपी के साथ मिलकर जरूरतमंदों को बांट रहा था खाना। विभांशु के कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रशासन और मेरठ भाजपा में हड़कंप मच गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल समेत परिवार को स्वास्थ्य महकमे ने क्वारंटाइन किया है और विभांशु के संपर्क में आए और भी कई लोग क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। आपको बता दें, विभांशु के संपर्क में आए कई और लोगों को भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि ड्राइवर का भाई भी कोरोना पॉजिटिव निकला। सांसद संजीव बालियान भी ड्राइवर के साथ कार में बैठे थे और यही वजह है कि तमाम एमएलए एमपी को यहां पर क्वारंटाइन किया जा सकता है। ब्यूरो चीफ हमारे साथ केके शर्मा जुड़ गए हैं। केके, विभांशु कोरोना पॉजिटिव निकला है और इसी के साथ कई एमएलए एमपी भी क्वारंटाइन किए जा सकते हैं, क्या इस वक्त हड़कंप की स्थिति है प्रशासन में? सकते में स्वास्थ्य महकमा सकते में, क्योंकि एक बहुत लंबी चैन होने वाली है। विभांशु वशिष्ठ के पिताजी जो राकेश शर्मा है, उनको सबसे पहले कोरोना कंफर्म हुआ था, तब विभांशु के एक भाई एक बहन और मम्मी को क्वारंटाइन कर दिया गया था। और आज जब विभांशु में कोरोना पॉजिटिव आया है तो उसके बाद पूरे बीजेपी में सकते में है, क्योंकि साथ ही साथ ये जो चैन है ये बहुत लंबी चैन है। मोदी योगी रसोई के कई जगह पर खाना सक्रिय रूप से बांट रहे थे और बांटने के साथ साथ लोगों से मिल भी रहे थे। तीन दिन पहले संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री मेरठ आए थे, उन्होंने मोदी योगी रसोई का शुभारंभ किया था। वहां पर भी विभांशु और मुकेश सिंघल बढ़ चढ़कर खाना बांट रहे थे। और उसके बाद सांसद राजेंद्र अग्रवाल, दक्षिण के विधायक सोमेंद्र तोमर जिनकी वो रसोई थी, जिनमें वो उद्घाटन करने आए थे, कई महामंत्री, ये सब इसमें आ गए हैं। जो अभी हमें लेटेस्ट पता चल रहा है, कंफर्म नहीं कर रहे, बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी त्यागी से, वो भी क्वारंटाइन में चले गए क्योंकि उनके साथ भी मुकेश ने बैठ के, मुकेश सिंघल जी ने बैठ के खाना बंटवाया था। सबसे बड़ी बात है, अगर मुकेश सिंघल में ये कोरोना वायरस कंफर्म हो जाता है तो एक लंबी चैन जो है बीजेपी के कार्यकारिणी की, बीजेपी के सांसद और विधायकों की, उन सबको क्वारंटाइन जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं तुषार आपको ये भी बता दूं कि अभी दो दिन पहले ही मुकेश सिंघल कुछ लोगों के साथ मिलकर डीएम को चेक देकर आए थे दान का। वहीं एडीजी जोन प्रशांत कुमार के साथ खड़े होकर उन्होंने पीपीई किट और मास्क भी बांटे थे। तो ये पूरा का पूरा इस समय जो सीन है वो थोड़ा सा टेंशन में, बहुत सारे फोन आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पिट कॉलेज में मुकेश सिंघल को उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिया गया है। डीएम ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, कहा कि आपको घर पे नहीं रखा जा सकता है, इसलिए आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो उन्हें पिट कॉलेज में भेज दिया गया है जहां पर वो क्वारंटाइन हो रहे हैं और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। अब सभी की सांसें अटकी हुई है कि किसी भी तरीके से मुकेश सिंघल कोरोना नेगेटिव आ जाए तो साथ में साथ आए तुषार। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। वहीं मेरठ में मेडिकल ऑफिसर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। सीएससी ममवाना के सरकारी क्वार्टर में बेहोश मिले मेडिकल ऑफिसर आशीष, दरवाजा तोड़कर बेहोश आशीष को बाहर निकाला गया। इलाज के दौरान मेडिकल ऑफिसर आशीष ने दम तोड़ दिया है। लाल कुर्ती में बने कोविड-19 के क्वारंटाइन सेंटर में हेड थे आशीष और कल रात ड्यूटी से लौटते वक्त छोटे ममवाना सड़क पर बेहोश पड़े हुए थे। अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टर आशीष घर चले गए थे और आज सुबह मौत के बाद आशीष का कोविड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। मेडिकल ऑफिसर आशीष के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत का राज खोलेगी। फिलहाल आशीष की मौत हो गई और आपको बता दें कि आशीष का अब कोरोना टेस्ट किया जाएगा, ये देखना होगा कि उनकी मौत किस कारण की वजह से हुई है। केके ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केके, यहाँ पर आशीष की मौत हुई है जो कि ऑफिसर हैं और कोरोना के अशक जरूर है उनके ऊपर, क्या अभी स्थिति है? डॉक्टर विश्वास चौधरी, उन्होंने आधिकारिक एक पुष्टि कर दी है
कि डॉक्टर आशीष पवार की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर आशीष पवार मेरठ में जो एक बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें 40 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, नेशनल स्कूल लालकुर्ती में वो उसके इंचार्ज थे और वहीं पर वो ड्यूटी दे रहे थे। जब वो सुबह अपने घर गए और करीब 1 बजे तक उनके घर को कोई फोन नहीं उठा रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, तब दरवाजा तो होकर उनको ले निकाला गया, सीएचसी ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पूरा स्वास्थ्य महकमा सकते में है, कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि उनकी मौत कोई हादसा या कोरोना के कारण उनकी डेथ हुई है। फिलहाल तो अभी सब डॉक्टरों ने चुप्पी साध रखी है, सिर्फ एक आधिकारिक पुष्टि आई है जिसमें डॉक्टर आशीष पवार की डेथ की पुष्टि की गई है। तुषार, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टर्स के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही है, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी, 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अध्यादेश के मुताबिक अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा भरपाई की जाएगी। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल वो होगा और नॉन बेलेबल होगा, यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजुरी हुई है तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है, तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा।
तो वहीं लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। रेलवे क्रॉसिंग पार कर दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे लोग और पुलिस के रोकने पर लोगों ने पथराव किया है। पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। एक सिपाही पथराव में घायल भी हुआ है। हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सदर थाना कैंट क्षेत्र के पास की यह घटना है। तो रेलवे क्रॉसिंग के पास दूसरे क्षेत्र में जा रहा था और पुलिस के रोकने पर लोगों ने पथराव किया है। फिलहाल पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई है और ये उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक सिपाही पथराव में घायल भी हुआ है। तो वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से पथराव किया गया। हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। सदर थाना कैंट क्षेत्र के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें लखनऊ की यह तस्वीर जहां पर लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया, पुलिस टीम पर हमला किया गया। रेलवे क्रॉसिंग पार कर दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे लोग और इसी दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा और दूसरे क्षेत्र में जाना चाहा उसी दौरान उन पर पथराव कर दिया गया। इसमें एक सिपाही घायल हुआ है। सिपाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घायल सिपाही है। सिपाही के ऊपर पथराव हुआ, पत्थर आकर यहाँ पर सिपाही को लगा जिसके बाद सिपाही घायल हुआ। इस कैंट एरिया में जो हॉटस्पॉट है उसमें एक गश्त पार्टी, घूमर पुलिस की गश्त पार्टी गई हुई थी। पुलिस की गश्त पार्टी जब रेलवे ट्रैक की तरफ गई थी वहाँ पे 10-12 लड़के बैठे हुए मिले। उन 10-12 लड़कों को पुलिस पार्टी ने हिदायत दिया कि वो लोग अपने घर चले जाए, तो उनमें से एक दो लड़के ना जाके पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प कर लिए। उसमें से एक लड़के के नाखून से हमारी एक पुलिस कांस्टेबल के नाक में फरोज आ गई और बाकी जब पुलिस बल और वो किए तो बाकी लड़के वहाँ से भाग गए। पत्थर लगना या पत्थर टलना इस तरीके की किसी भी इंफॉर्मेशन एकदम गलत है। धन्यवाद। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।